Very good morning one and all. My name is Lokesh and welcome to Start Growing YouTube channel. जैसा कि पहला पार्ट अपन देख चुके हैं वर्ब का, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वर्ब को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी पहचान करते हैं और कैसे नाउन से और एडजेक्टिव से कैसे वर्ब को बनाते हैं, जो कि पहले पार्ट में कवर हो चुका है. उसका कुछ पार्ट बाकी है, उसको अपन सेकेंड पार्ट में कवर कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड है सेल. सेल यानी होती है बिक्री, और बिक्री क्या है, नाउन है. जैसे कैसे फाइंड आउट किया मैंने, जैसे मैंने लगाया तुम्हारा तुम्हारी लगा के नाउन निकालते हैं, मैंने बताया था तुम्हारी सेल कितनी है हुई, तुम्हारा तुम्हारा लगा के नाउन हो गए. अब इस नाउन के अपन को वर्ब बनानी, तो वर्ब क्या होती है, एस ई डबल एल, ये वर्ब होती है ना. एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल सेल माई हाउस. आई विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्प वर्ब के बाद क्या आता है, सबको पता है, मेन वर्ब आती है. अब यहाँ मेन वर्ब नहीं है, नाउन दे रखा है, तो सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा. और इसकी अपन को क्या बनानी पड़ेगी, वर्ब बनानी पड़ेगी. तो इसकी वर्ब हो जाएगी एस ई डबल एल, सेल. आई विल सेल माई हाउस, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. वाट इज योर सेल. किसी दुकानदार से पूछते हैं आज तुम्हारी सेल कितनी हुई, तो वहाँ पे वाट इज योर सेल. योर सेल, यहाँ पे ये जो सेल है, यहाँ पे ये नाउन है और ये जो कि करेक्ट है, जो कि करेक्ट है, ठीक है. और इसके पहले जो ये योर आ रहा है, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन एक तरह से नाउन ही होता है, तो नाउन के पहले नाउन आ सकती है. जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब मैंने नाउन पढ़ाया था, कि नाउन के पहले 99.99% एडजेक्टिव आता है. बट नाउन क्या कि नाउन भी आ सकता है, बट वो नाउन कोई अलग होना चाहिए, या प्रोनाउन भी आ सकता है, वो उसको क्वालिफाई करने वाला होना चाहिए. जैसे सेल को क्वालिफाई कौन कर रहा है, तुम्हारा, तुम्हारी सेल, इससे रिलेटेड है ना. वैसे जैसे अगर ये देखे चिल्ड्रन स्कूल, अब ये स्कूल भी नाउन है और चिल्ड्रन भी नाउन है. जैसे तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे तुम्हारे बच्चे, ये सब दोनों नाउन है. अब नाउन का कि नाउन आ रहा है, इसको कैसे पता करेंगे, पता कर लिया. और ये नाउन का कि नाउन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो चिल्ड्रन स्कूल है ना, चिल्ड्रन है ना, ये स्कूल को क्वालिफाई कर रहा है. स्कूल कौन सा स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल, तो ये स्कूल को चिल्ड्रन के द्वारा क्वालिफाई किया जा रहा है. अब अगला एग्जांपल देखते हैं इसी के लिए. स्ट्रॉन्ग मैन. अब जो स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, जो कि मैन को क्वालिफाई कर रहा है. जैसे ही ये चिल्ड्रन है, स्कूल को क्वालिफाई कर रहा है, वैसे ये स्ट्रॉन्ग है, वो मैन को क्वालिफाई कर रहा है. स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है, बल्कि चिल्ड्रन यहाँ पे नाउन है, तो नाउन भी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है. अगला देखते हैं वर्ड एम्पैथी. एम्पैथी नाउन है और इसका वर्ब क्या हो जाएगा, एम्पैथाइज. एम्पैथी का मतलब क्या होता है, खुद को रखकर समझना. जैसे कोई इंसान परेशान हो रहा है, तो वहाँ पे खुद को रखकर समझना कि इंसान कैसे परेशान हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है. जैसे एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, तो वहाँ पे खुद को रखकर देखती है वो, तब जाके उस चीज़ को समझ पाती है, तो होता है एम्पैथी. और सिंपैथी, ये मैंने बता चुका हूँ पहले, सिंपैथी एक नाउन है, इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंपैथाइज. इसका मतलब क्या होता है, दूसरे के दुख से खुद भी दुखी होना, सिंपैथी होती है ना. और एक होता है अपैथी. अपैथी का मतलब होता है कोई फीलिंग नहीं आना. और एक होता है एंटीपैथी, इसके नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है कि एंटीपैथी यानी कि विपरीत फीलिंग आना, ठीक है. समझ में आ रहा है कैसे अपन नाउन से और एडजेक्टिव से वर्ब बना रहे हैं, कैसे नाउन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता ही है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड है डिवाइस. डी ई वी आई सी ई. सी ई लगा हो तब तो होता है ये नाउन, चीज. और डी ई वी आई ए सी हो जाता है, ये हो जाता है वर्ब, किसी चीज़ को तैयार करना. देखो कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ अपन इग्नोर कर देते हैं. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें, लेकिन उनमें इतने बड़े बड़े लॉजिक हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो कि अपन एग्जाम में गलती कर बैठते हैं और एग्जाम को सीधे क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला वर्ड देखते हैं क्या है, नेशन. नेशन यानी राष्ट्र, और इसके वर्ब क्या बनेगी, नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण करना. अगला नाउन है स्पीच. स्पीच की वर्ब क्या बनेगी, स्पीक. सिमिलरली मेडिटेशन नाउन है, इसकी वर्ब क्या बनेगी, मेडिटेट. कैसे पता कर रहा हूं मैं नाउन है, तुम्हारा तुम्हारी लगा के देख रहा हूं, तुम्हारे स्पीच, तुम्हारा मेडिटेशन. आगे बढ़ते हैं. मेड. मेड भी एक नाउन है, पागल, और इसकी वर्ब क्या बनेगी, मेडन. वर्ब इसकी मेडन बन जाएगी. एक्विजिशन ये भी नाउन है, इसका वर्ब क्या बनेगी, अक्वायर, इसकी वर्ब बन जाएगी. बर्थ जन्म, तुम्हारा जन्म क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और इसकी वर्ब क्या बनेगी, बियर, जन्म देना. अब देखना एग्जांपल बता रहा हूँ मैं इसके, बियर के या बर्थ के. अ मदर बोर अ चाइल्ड,
बोर, ये कौन सी फॉर्म, बोर्न कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। अब सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म तो कभी आती नहीं है, तो ये चीज़ तो वैसे गलत हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखते हैं एग्जाम्पल। द मदर बोर अ चाइल्ड, बोर यानी जन्म दिया, यानी कि एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। पास्ट टेंस की बात है तो सेकंड फॉर्म यूज करें अपनी, जन्म दिया, तो ये वाला सेंटेंस गलत करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द मदर विल बोर्न अ चाइल्ड, विल बोर्न, विल के बाद थर्ड फॉर्म तो कभी नहीं आती ना, तो वो तो वैसे गलत हो जाएगा। और इसको अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी जगह बियर डालते हैं, द मदर विल बियर अ चाइल्ड, तो बियर नहीं जन्म देना, एक माँ बच्चे को जन्म देगी, जन्म देना, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बियर की फॉर्म्स क्या होती है, बियर बोर बोर्न। अब एक एग्जाम्पल इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, द चाइल्ड टुक बर्थ, ये तो सही हो जाएगा, टुक बर्थ है ना। अब बात करते हैं बियर की या बोर्न की, द चाइल्ड वॉज बोर्न ऑन 12th January, ये सही हो जाएगा। ये इसलिए सही हो जाएगा, ये जो बोर्न है ना, बियर जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और पैसिव सब्जेक्ट में इसका रिएक्शन पीछे होता है, और एक्टिव सब्जेक्ट में इसका रिएक्शन आगे की ओर होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस सुन लीजिए इसको, मैं जब अगला टॉपिक आएगा सब्जेक्ट उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे एक्टिव सब्जेक्ट वर्क करते हैं, कैसे पैसिव सब्जेक्ट वर्क करते हैं, कैसे ट्रांजिटिव का इफेक्ट आगे की ओर होता है, कैसे ट्रांजिटिव का इफेक्ट पीछे की ओर होता है, और कब होता है, कैसे नाउन बनती है, कैसे नाउन ऑफ आइडेंटिटी बनती है, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा एकदम चुटकियों में, तब जाके आप इंग्लिश को समझने लग जाओगे, कैसे इंग्लिश बनती है, कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं, कैसे इसको बोला जाता है, कैसे समझा जाता है, सारी चीज़ें। तो अभी बस सुनते रहिए और समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इसका टॉपिक आएगा, जैसे सब्जेक्ट का टॉपिक लूँगा तो उसमें एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब का ले लिया, एडजेक्टिव ले लिया, नाउन ले लिया, नाउन ऑफ आइडेंटिटी लूँगा, कैसे नाउन ऑफ आइडेंटिटी, नाउन की डिफरेंस होती है, ये सब चीज़ें लूँगा। अब जैसे ये वाला गलत, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो बोर्न है ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये चाइल्ड पे रिएक्शन करेगा, इस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब ये वाला द चाइल्ड बोर्न ऑन 12th January, ये सेंटेंस सही लगेगा आपको, बल्कि ये गलत है, क्योंकि ये डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ रही है, ये गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बियर को ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि नहीं है, बी प्लस बियर के ट्रांजिटिव वर्ब है। जब इसको सिंपल सेंटेंस लिखेंगे ना, तो एक्टिव के साथ लिखेंगे तो आगे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। जैसे अ मदर बोर बियर अ चाइल्ड, अ मदर बियर अ चाइल्ड, तो अ मदर बियर टीवी है, टीवी ने आगे ऑब्जेक्ट माना क्या, एक चाइल्ड को, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, अ मदर बियर अ चाइल्ड। लेकिन अगर ये बोलेंगे द चाइल्ड वॉज बोर्न ऑन 12th January, अब ये चाइल्ड क्या है कि ये पैसिव सब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर रिएक्शन हो रहा है, जन्म किसी और ने दिया है, ये पैसिव सब्जेक्ट है, इस पर रिएक्शन हो रहा है, एक्टिव सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, पैसिव सब्जेक्ट जिस पे रिएक्शन होता है, तो ये जो चाइल्ड है ये पैसिव सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अनुसार, तो इस पे रिएक्शन हो रहा है बोर्न का। ठीक है, और जब ये इसको अगर एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, द मदर बियर अ चाइल्ड, तो इसमें क्या है, बियर का रिएक्शन आगे की ओर होता है और पैसिव में पीछे की ओर होता है। ये सब चीज़ें बताऊंगा, इसको ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अभी समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक जाएगा, बहुत बड़ा एक वीडियो प्रॉपर जाएगा अलग से। ठीक है, बी प्लस टीवी की थर्ड फॉर्म, इसमें इफेक्ट पीछे की ओर जाता है, बी प्लस वर्ग पीछे की ओर, इधर की ओर सब्जेक्ट जाता है, पैसिव सब्जेक्ट पे इफेक्ट जाता है, क्योंकि पैसिव बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट, जो काम करते हैं वो सब्जेक्ट जो एक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जिन पे काम होता है वो पैसिव सब्जेक्ट होते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को जन्म दिया, तो माँ ने दिया तो वो एक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगी, बच्चे का जन्म हुआ 12 नवंबर को, तो बच्चे पे एक्शन हुआ है तो वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चा। अगला वर्ब देखते हैं, ये है कंपटीशन जो कि नाउन है, इसकी वर्ब क्या बनेगी, कम्पीट वर्ब हो जाएगी। डेंजर नाउन है, इसकी वर्ब बनेगी इनडेंजर, ये इसकी वर्ब बन जाएगी। एक्सटेंट विलुप्त हो जाना, और इनडेंजर विलुप्त होने के कगार पे होना। जैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, कि डायनासोर एक्सटेंट प्रजाति है, वो खत्म हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा। अब जो चीज़ खत्म होने के कगार पे है, जैसे पेट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये चीज़ें इनडेंजर हो जाएगी, विलुप्त होने का खतरा है इनको, जब भी खत्म हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो भी खत्म होने के कगार पे, खत्म हुई नहीं तो इनडेंजर में जाएगी,
जो ख़त्म हो चुकी है वो एक्सटेंट में जाएगी। अब आज से मैंने कुछ अलग चीज़ भी स्टार्ट करी है, जैसे वन वर्ड स्टार्ट करे हैं और फ्रेजल वर्ब्स, ये सब धीरे धीरे कुछ अलग चीज़ें भी स्टार्ट करूँगा ताकि आप इनको भी एक साथ साथ देखते जाए, इनका भी प्रिपरेशन होती जाए। ठीक है, एगलर, एगलर यानी क्या होता है, वन हु फिश विद द रोड एज अ हॉबी, मछुआरा, एगलर मछुआरा होता है। ठीक है, एम्युनिसिस क्या होता है, वन हु राइट डाउन वंस डिक्शन यानी कि लेख करता, एम्युनिस क्या होता है, लेख करता, जो लिखता है। ठीक है, एग्नोस्टिक वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, ठीक है, यानी कि अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिस्ट का मतलब क्या होता है, अज्ञेयवादी। ठीक है, एंटीक्वेरियम वन हु स्टडी एंड कलेक्ट एंड सेल्स थिंग्स ऑफ द पास्ट, पास्ट की चीज़ों के बारे में जो काम करता है, जिसे स्टडी करता है, कलेक्ट करता है, सेल करता है, वो क्या होता है, पुरातात्विक। ये हैं फ्रेजल वर्ब्स। अंडर द क्लाउड्स, अंडर द क्लाउड्स यानी शक के घेरे में होना। अगला है फॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसके नाम से देखो, फॉगिंग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को दौड़ाना यानी कि व्यर्थ में फरियाद करना, मारना। ठीक है, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन, लुक डाउन मतलब समझ दो, मतलब देखना नीचा, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो यानी कि है की दृष्टि से देखना। अगला है फेस द म्यूजिक, डांट सुनना, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अभी इसमें भी कुछ बाकी, इसका थर्ड पार्ट भी डालूंगा वर्ब का, इसके दो तीन पार्ट है, क्योंकि मैं इसको अगर एक में डालूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग वीडियो डाल रहा हूँ, सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है सारा कुछ ले रहा हूँ, तो आप बस वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और अगर सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो और अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। और बाकी नाउन ऑफ आइडेंटिटी, टीवी, आईटीवी, सब के बारे में प्रॉपर एक एक वीडियो डालूंगा, आपको इससे अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कैसे इंग्लिश इधर से उधर कैसे खेलती है, कैसे वर्ब इधर से उधर जाती है, कैसे एक्शन इधर से उधर होता है, कैसे एक्टिवा स्पेसिवाइज, इतना सा टॉपिक है एक्टिवा स्पेसिवाइज, डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी इतना सा ही है, उसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने एडजेक्टिव की, वर्ब की और बाकी करंट अफेयर्स की वीडियो डाल दी, तो उनको भी चेकआउट कर दीजिए। ठीक है, उनको भी देख लीजिए कि कैसे कौन से करंट अफेयर्स अभी चल रहे हैं। परसेंटेज का वीडियो डाला एक मैथ में, उसको भी देखिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।